छतरपुर में माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान जारी है। इसी के तहत राजस्व अमले और खाद्य विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई करते हुए नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री से भारी मात्रा में मिलावटी तेल, नूडल्स बनाने का सामान जब्त किया। हरपालपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नौगांव राजस्व अमला और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से उन्होंने भारी मात्रा में मिलावटी तेल, नूडल्स बनाने का सामान जब्त किया। खाद्य विभाग ने नूडल्स बनाने के सभी सामानों का सैंपल भरकर भोपाल भेजा है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है यह नूडल्स बड़ी मात्रा में गांवों में सप्लाई किया जाता था। प्रशासन ने जांच रिपोर्ट आने तक फैक्ट्री को सील कर दिया है। आप ये सूचना दे दी कि साल खाद्य पदार्थ तेल जो है उसका मतलब जो खाने योग्य नहीं होता उससे फूड आइडियल का उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है। जी हाँ, उसी संबंध में हमारे साथ ये नवा साहब, तहसीलदार साहब और हमारी खाद्य टीम और राज्य टीम इकट्ठा आकर के अपन निरीक्षण किया है। जो मौके में पाया भी गया कि जो तेल का उपयोग किया जा रहा है वो हाइजीनिक की सही कंडीशन का नहीं है, इस कारण हमने जब्त किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।